यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट अंग्रेजी की परीक्षा को वाराणसी, बलिया और आजमगढ़ समेत यूपी के 24 जिलों में रद्द कर दिया गया है। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण यह फैसला लिया गया है। यूपी साठ न्यूज ने इसका खुलासा किया था। बलिया में मंगलवार शाम इंटरमीडिएट अंग्रेजी का प्रश्न पत्र वायरल हो गया। यह परीक्षा बुधवार को दूसरी पाली में होनी थी। परीक्षा निरस्त होने की जानकारी पहले जिला सूचना विभाग के ग्रुप में मैसेज के माध्यम से मिली। पेपर के सवाल में होने वाली परीक्षा से मैच करने पर बलिया डीएम ने इंटरमीडिएट अंग्रेजी की परीक्षा को निरस्त करने की संस्तुति बोर्ड से की थी। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जारी बयान के मुताबिक इंटरमीडिएट की अंग्रेजी विषय की सीरीज 316 ईडी और 316 ईआईडी के प्रश्न पत्र प्रकटन की आशंका में वाराणसी, बलिया और आजमगढ़ समेत यूपी के 24 जिलों में परीक्षा निरस्त कर दी गई है। अब इस परीक्षा की नई तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त होने की सूचना के बाद परीक्षा केंद्रों से परीक्षार्थियों को लौटा दिया गया। यूपी बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन कराने का दावा करने वाला जिला प्रशासन नकल माफियाओं पर नकेल कसने में फेल साबित हुआ। नतीजा यह रहा कि पहले हाईस्कूल संस्कृत का पेपर और हल्की हुई कॉपी परीक्षा होने से एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अभी जिला प्रशासन ने इसकी जांच शुरू ही की थी कि मंगलवार शाम इंटरमीडिएट अंग्रेजी का प्रश्न पत्र वायरल हो गया। मामला संज्ञान में आने के बाद इस बारे में डीआईओएस से जानकारी करने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक पेपर लीक मामले में सरकार ने एक्शन लेते हुए डीआईओएस को सस्पेंड कर दिया है। वहीं यूपी में अंग्रेजी पेपर लीक मामले में एसीएस माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। बलिया में हम लोग को सूचना मिली कि कुछ प्रूफ पत्र जो एहतियातन जैसे अव्यवस्था ना हो और हमारी इम्तहान परीक्षा की शुचिता उपलब्धता बनी रहे, हम लोग ने इमीडिएटली वो पेपर की सीरीज जो अन्य जनपदों में रही है, 24 ऐसे जनपद हैं, उनमें हम लोग ने ये पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया। मैं आपको पढ़ के कौन सा पेपर है मैम? ये इंटरमीडिएट इंग्लिश का पेपर है जो 2 बजे आज होना है जी, तो उसको हमने निरस्त किया है। उसके लिए हम अन्य तिथि दे देंगे उन 24 जनपदों के बच्चों के लिए। अच्छा, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये है आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, एटा, शामली, शाहजहाँपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर, देहरादून। वहीं यूपी पेपर लीक मामले पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का भी बयान सामने आया है। देखिए उन्होंने क्या कहा। पेपर लीक हुआ, इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? इसकी जांच की जा रही है और जांच में जो भी फंसेगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है? अब आप पता चलने दें तभी तो। मैम जांच किसको दी जाएगी इसकी, जो लीक हुआ है पेपर, इसकी जांच किसको दी जाएगी? इसकी जांच बता दी जाएगी आपको, जिसको भी दी जाएगी हम बता देंगे। एसीएस होम की तरफ से मैम रिपोर्ट मांगी गई है, किनसे मांगी गई है, कहां पे अभी वो सब बता दिया जाएगा आपको, थोड़ा मौका दीजिए हमको। वहीं यूपी में पेपर लीक मामले पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी तंज कसा है। जिस सरकार में डिग्री के सवालों पे 4 मीनार खड़ी हो, वहाँ छात्रों का दर्द कौन समझेगा? उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार शिक्षा माफियाओं के सामने नतमस्तक। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पेपर लीक पर क्या कहा, देखिए। तो ये पाया गया कि जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं वो आने वाले परीक्षा में कि जो 2 सीरीज हैं उससे संबंधित हैं, और इस पे शासन ने तात्कालिक रूप से ऐसे 24 जिलों जहाँ की इस सीरीज के प्रश्न पत्रों से एग्ज़ाम होना था उसको निरस्त किया, तथा इस पे शिक्षा विभाग के द्वारा वहाँ के शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है, तथा स्थानीय पुलिस तथा एसटीएफ की टीम इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है
और यह प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया जाए जिन्होंने कि यह प्रश्न पत्र लीक किया है। कितने लोगों पर कार्रवाई? अभी चीज़ें पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हैं और हमारी टीमें लगी हुई हैं। जैसे ही गिरफ्तारी की पुख्ता जानकारी होगी हम इसकी जानकारी प्रेस के साथ शेयर करेंगे। सर, ये जो कैंसिल हो गए, किस अगले में? हाँ, ये तो दोबारा परीक्षाएं होंगी इन 24 जनपदों में और शेष अन्य जनपदों में परीक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और हम लोगों ने प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तथा अन्य सभी माध्यमों से उन बच्चों को भी सूचना देने का प्रयास किया जिनकी परीक्षाएँ आज होनी थी कि उनकी परीक्षाएँ निरस्त कर दी गई। यूपी सार्ट न्यूज के लिए बलिया से आदित्य वर्मा की रिपोर्ट।